यार ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टॉर्क तो अवल टॉर्क इज एडजस्टिंग फोर्स अरे वर्किंग। आसान शब्दों में बता यार। आसान शब्दों में तो टॉर्क मतलब पावर मतलब। अच्छा तो फिर ये एचपी क्या होता है? एचपी पावर नहीं होती, हॉर्स पावर मतलब पावर ही होता है हॉर्स। यार तू सवाल बहुत करता है, मैं नहीं तू बताऊंगा। रहने दे यार, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि ये टॉर्क क्या होता है, आरपीएम और हॉर्स पावर या बीएचपी ये क्या होते हैं। मैं इसके में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह ज्यादा नहीं बताऊंगा या बहुत ही डीप जाके नहीं बताऊंगा। एक सिंपल ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ आए, जब आप प्रैक्टिकली उसे महसूस करो तो पता चल जाए कि ये टॉर्क हो रहा है यहाँ पे या यहाँ पे हॉर्स पावर ज्यादा है या क्या चीज हो रही है, प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए। इस हिसाब से थोड़ा बताता हूं। जैसे जनरली कहा जाता है कि मोटे मोटे तौर पे बताना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकली कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है और अगर मैं इस हाथ पे ये जो ट्विस्ट कर रहा हूं, ये जो फोर्स लग रहा है यहां पे ट्विस्ट होने वाला, उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो आप आरपीएम और टॉर्क को डायरेक्ट कभी भी रिलेट ना करें। ये मत सोचे कि अगर मान लो एक व्हील है, अगर वो एक राउंड पूरा यूं काट जाता है तो मतलब वो टॉर्क है। वो टॉर्क नहीं है, जो प्रेशर लग रहा है उसको घुमाने के लिए वो तो टॉर्क है, लेकिन उसका राउंड जो घूम रहा है वो है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट जो अपनी गाड़ी बताती है वो इंजन के रोटेशन बताती है, ना कि टायर की, ये भी ध्यान रखना। और टॉर्क मोस्ट ऑफ द कार्स नहीं बताती है, कुछ नई कारें बताती है टॉर्क भी। टॉर्क जो होता है वो आउटपुट वैल्यू होती है, वो कोई इंजन के अंदर होने वाली चीज नहीं है, वो इंजन से बाहर निकलने वाली वैल्यू है, यानी कि आउटपुट जो निकल रहा है वो होती है। तो आरपीएम और टॉर्क एक चीज नहीं है, अलग अलग चीज है। अब बात करते हैं हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर को यूजली बीएचपी लिखा जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर और हॉर्स पावर में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो नहीं है। उसको डिफरेंस को आप अभी के लिए हटा दीजिए और एक ही मान लीजिए, बीएचपी और एचपी को कुछ देर के लिए सेम मान लीजिए। एक मैथ का फॉर्मूला इस पूरे वीडियो में जो मुझे बताना जरूरी है वो भी बता देता हूं कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 5252। इस फॉर्मूले में आप ज्यादा जान मत दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि हॉर्स पावर जो है वो टॉर्क और आरपीएम के बढ़ने पे बढ़ेगा, घटने पे कम होगा। सीधी सीधी बात आपको इतनी समझनी है। उसके बाद आप आगे चलते हैं। जब आरपीएम बढ़ते हैं तो टॉर्क बढ़ता है, ये हर बार जरूरी नहीं होता। एक सर्टेन लेवल तक ही आरपीएम के साथ टॉर्क बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाता है। आरपीएम बढ़ते हैं उसके साथ हॉर्स पावर बढ़ता है, ये भी कंप्लीटली जरूरी नहीं है, क्योंकि इंजन की एक कैपेसिटी होती है। एक इंजन की फिक्स कैपेसिटी हो, उतने आरपीएम से ज्यादा वो नहीं कर सकता, उससे ज्यादा करने पर इंजन खराब हो सकता है, टूट सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे इंजन जो होते हैं वो ज्यादा आरपीएम पे चल सकते हैं, लेकिन बड़े इंजन नहीं चल पाते। फॉर एन एग्जाम्पल, बाइक के जो इंजन होते हैं वो यूजुअली 12,000 आरपीएम के आसपास चल सकते हैं, लेकिन कारों के जो इंजन आप देखोगे वो देखोगे 8,000 आरपीएम मैक्सिमम लिमिट में होते हैं। कहीं की मोस्ट ऑफ द कार 8,000 आरपीएम मैक्सिमम लिमिट में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ी कैपेसिटी के इंजन ज्यादा आरपीएम पे चलने में मुश्किल होती है उनको, उनके लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी चाहिए। और टॉर्क और ये पावर ऐसी चीजें हैं जो ट्यून की जा सकती है इंजन के हिसाब से, कार मैन्युफैक्चरर से ट्यून करते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं, बोलेरो की एक पिकअप, इनोवा टोयोटा की इनोवा और फोर्स ट्रैवलर, फोर्स टेम्पो ट्रैवलर, इन तीनों का इंजन लगभग सेम है 2.5 लीटर का, लेकिन इनके फिगर्स में जो डिफरेंस है उसे देखते हैं। जहां बोलेरो 63 bhp और 195 Nm का टॉर्क देती है, वहीं इनोवा 100 bhp और 200 Nm का टॉर्क देती है। अब बात करते हैं फोर्स का, जो टेम्पो ट्रेवलर आता है जो बड़ा, जिसमें काफी सारे लोग ठूस ठूस के भरे जा सकते हैं, उसकी मैक्स पावर 90 bhp है, लेकिन उसमें 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है उस इंजन से। इंजन की कैपेसिटी लगभग सेम है, लेकिन ये डिफरेंस इसलिए किया गया है क्योंकि बॉलर को बड़ा सामान उठाना पड़ता है, तेज उसे दौड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इनोवा की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें 7-8 ही बैठेंगे। उसके बाद ट्रैवलर जो है उसमें पावर ज्यादा होना चाहिए, स्पीड तो मॉडरेट हो तो भी चलेगा। तो जितनी ज्यादा बीएचपी होगी उतना ज्यादा पावर होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा गाड़ी की पावर होगी उसे एक्सेलरेट करने की। अब इसे कुछ यूं समझिए कि ज्यादा टॉर्क होने का मतलब है कि आप भारी वजन को भी थोड़ा आसानी से उठा सकते हैं, और ज्यादा हॉर्स पावर होने का मतलब है आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड ज्यादा होगी। एक बार फिर से मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता देता हूं, टॉर्क मतलब ऐसा फोर्स जो कि एक व्हील को घुमाने के वक्त लगता है। टॉर्क आपको कब महसूस होगा? जब आप डीजल कार में, आपने देखा होगा कि
एकदम क्विकली ओवरटेक कर सकते हो आप, एकदम से वो पावर मिलती है आपको, आपको कोई ट्रक वगैरह कोई ओवरटेक करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन वही चीज अगर आपको किसी पेट्रोल इंजन में करना हो तो आपको उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है, काफी ज्यादा स्पीड पकड़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीएचपी जो होती है वो आपकी टॉप स्पीड निर्धारित करेगी। अगर आपके पास ज्यादा बीएचपी का इंजन है तो आपकी टॉप स्पीड ज्यादा होगी, अगर आपके पास कम बीएचपी का इंजन है तो आपकी टॉप स्पीड कम होगी। टॉर्क का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोलेरो जो है वो 65 बीएचपी की पावर देती है और टॉर्क देती है 200 के आसपास न्यूटन मीटर के आसपास का। वहीं इनोवा जो है वो 100 बीएचपी की पावर देती है और टॉर्क वो भी 200 न्यूटन मीटर के आसपास का देती है। लेकिन यहाँ फास्ट कौन सी होगी? इनोवा होगी, क्योंकि उसके पास हॉर्स पावर ज्यादा है। हो सकता है दोनों एक साथ, उनकी एक्सेलरेशन स्पीड एक साथ हो, 100 टू 60 जाने का वक्त भी सेम हो, लेकिन उसके बाद इनोवा ही आगे निकल जाएगी क्योंकि उसके पास ज्यादा हॉर्स पावर है। तो बस यही सब था इस वीडियो में, मैंने इसे बहुत छोटा रखने की कोशिश की है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए ऐसे कौन से और टेक्निकल एस्पेक्ट पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।